Today we are starting with a new question of flexible budget. The question is, a company at present operating at 80% capacity produce and sell 40,000 units. Below given are the expenses per unit. Question में कहा गया है कि कंपनी जो है, एक कंपनी है जो अपनी प्रेजेंटली 80% कैपेसिटी पर काम कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, और 40,000 यूनिट जो है वो उसको बना करके सेल कर रहे हैं। आगे उन्होंने आपको जो है टेबल दी हुई है जिसमें पर यूनिट एक्सपेंसिस जो आया है उसकी एक फिगर आउट दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल 15 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 10 रुपीज पर यूनिट, फैक्ट्री ओवरहेड 30% फिक्स्ड एंड 5 रुपीज पर यूनिट, ऑफिस ओवरहेड 60% वेरिएबल रुपीज 3 पर यूनिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2 रुपीज पर यूनिट 50% फिक्स्ड एंड देन सेलिंग प्राइस 45 रुपीज पर यूनिट। इस तरह से आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें एक्सपेंसेस शो किए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आपको जो है प्रिपेयर ए बजट एट 60% कैपेसिटी एंड 90% कैपेसिटी, यानी आपको ये बजट जो है वो दो कैपेसिटी लेवल के लिए बनाना है। 80% कैपेसिटी लेवल का उसने आपको जो है एक फिगर आउट दे रखा है, तो इसमें उसी तरह से काम करेंगे। सबसे पहले एक कॉलम तो आपको पहला बनाना है पर्टिकुलर का या हेड ऑफ एक्सपेंसेस। इसके बाद हमने अगला कॉलम बनाया है 60% कैपेसिटी के लिए, 80% कैपेसिटी का उसने हमको कह ही दे ही रखा है क्वेश्चन में, और फिर अगला कॉलम मैंने बनाया है 90% कैपेसिटी के लिए। इसके ऊपर मैंने यूनिट कैसे निकाली है ये देखिए कैसे निकली है। 80% कैपेसिटी पर यूनिट उसने बताई है, 40,000 यूनिट जो है वो मैन्युफैक्चर होती है और सेल होती है, तो इसके हिसाब से 60% पर कितनी यूनिट बैठेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 40,000 यूनिट 80% कैपेसिटी पर बनती है तो 60% पर कितनी बनेगी, तो आपका ये फिगर आ जाएगा 30,000 यूनिट्स। इसी तरह से सेम हमने यही थिंग जो है यहाँ लगाई है 90% में, 40,000 कैपेसिटी पर 80% कैपेसिटी पर बनती है तो 90% पर कितनी बनेगी इनटू 90, तो ये आ गई है 45,000 यूनिट्स। तो इस तरह से जो है 40,000 यूनिट अपॉन 80 इनटू 60 करके 30,000 इसकी फिगर आ गई है, 40,000 अपॉन 80 इनटू 90 करके 45,000 यूनिट का जो प्रोडक्शन है और सेलिंग होगी वो 90% कैपेसिटी की आ गई। अब इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें वे एक्सपेंसेस ले लेते हैं जो कि फिक्स्ड होंगे बिल्कुल या बिल्कुल वेरिएबल होंगे। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हैं बिल्कुल वो तो कोई से नहीं दिए हुए हैं, आपको दो ही तरह के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल और लेबर जो कि वेरिएबल हैं क्योंकि वो पर यूनिट चेंज हो रहे हैं, और इसके बाद जो एक्सपेंसेस उसने आपको दिए हुए हैं वो सब के सब जो है एक लिमिट तक फिक्स हैं, उसके बाद वो वेरिएबल हैं। तो यानी इसमें आप क्वेश्चन में आपको केवल दो ही एक्सपेंसेस दिए हैं, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस को लिख लेते हैं, उसके बाद सेमी वेरिएबल लिख लेंगे। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है इसमें डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 15 रुपीज पर यूनिट, अगर आप इसको 15 रुपीज में मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 को तो ये आ जाएगा 450,000। इसी तरह से 40,000 यूनिट की यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 रुपीज पर यूनिट में तो ये आ जाएगा 6 लाख, और यही सेम कैलकुलेशन जो है अगर हम 45,000 के लिए करें तो ये आ जाएगी 675,000। इसके बाद अगला एक्सपेंसेस में आता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज पर यूनिट दे रखी है, तो 10 रुपीज पर यूनिट की मल्टीप्लाई इनके प्रोडक्शन में करते चले जाएंगे, ये यहाँ पर एक्सपेंसेस आते चले जाएंगे। 30,000 इंटू 10 ये आ जाएगा 3 लाख, इसके बाद 40,000 इंटू 10 ये आ जाएगा 4 लाख, और 45,000 इंटू 10 ये आ जाएगा 450,000। इस तरह से हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गए। अब इसके बाद बाकी जो एक्सपेंसेस बचते हैं फिर हम उनको लेना शुरू करेंगे, जिनमें सबसे पहले है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री
फैक्ट्री ओवरहेड ये आपको उन्होंने कहा है 5 रुपी पर यूनिट होते हैं, और ध्यान रखना ये 80% कैपेसिटी पे दिए हुए हैं, जिसमें से 30% जो है वो फिक्स्ड है, 30% जो है इसमें से फिक्स्ड है, बाकी के सारे जो है वेरिएबल है। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी होगी। इसमें से सबसे पहले आप वर्किंग करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, हमें जो इसमें फिक्स्ड का पोर्शन है वो अलग करना है, क्योंकि फिक्स्ड का पोर्शन तो तीनों लेवल के लिए एक होगा, लेकिन जो वेरिएबल का होगा वो चेंजेबल होगा, तो वो चेंज हो जाएगा, बाकी जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो हमें दोनों को अलग अलग करना है इस 80% कैपेसिटी लेवल के ऊपर, एट 80% लेवल। तो यहां पर आपको फिक्स्ड ओवरहेड दिए हैं उसने 5 रुपीज पर यूनिट। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, 40,000 × 5 टोटल आ गया है ये 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए के एक्सपेंसेस होते हैं 80% लेवल पर फैक्ट्री ओवरहेड के। अब इसमें से देखिए फिक्स का पोर्शन उसने कहा है कि 30% है, तो 2 लाख का 30% अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाता है 60,000, और वेरिएबल जो है इसका ठीक अपोजिट होगा, अगर 30% फिक्स्ड है तो 70% जो है इसमें फिर वेरिएबल बैठता है, तो 2 लाख × 70% 140,000। तो इस तरह से टोटल 2 लाख रुपए जो है यहाँ पर 80% लेवल पर लगे हैं। अब इसमें से फिक्स और वेरिएबल का अलग अलग पोर्शन हमें मिल गया है, तो फिक्स तो क्योंकि फिक्स होता है किसी भी लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर फिक्स में तो आप जो है 60,000 तीनों में ही डाल देंगे, वो सेम रहेगा। अब बात आती है वेरिएबल की, तो वेरिएबल 80% वाला तो हमें मालूम हो ही चुका है कि 140,000 है, इनका निकाल लेंगे बाकी के लेवल का। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो बैठेंगे एट 60% लेवल, वो आएंगे 140,000 के जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने परसेंट लेवल पर हैं, 80% लेवल पर अपॉन 80, और हमें 60% लेवल पर चाहिए इंटू 60, तो इस तरह से करके इनकी कैलकुलेशन ये आ जाएगा 105,000, यानी 1,05,000। तो 1,05,000 के जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं फैक्ट्री ओवरहेड में, वो 30,000 यूनिट के लिए तो 1,05,000 है, और यही थिंग हम इसमें एट 90% लेवल, 90% लेवल के लिए कर लेंगे। तो 140,000 के जो एक्सपेंसेस थे वो हमारे थे 80% लेवल के लिए, तो 90% के लिए कितने होंगे, तो 90% के लिए आ जाते हैं इसमें कैलकुलेशन करके 157,500। तो 157,500 रुपीज के जो हैं इसके आ रहे हैं, तो ये इन दोनों इनके कॉलम में नोट कर। तो इस तरह से जो है फिक्स्ड का और वेरिएबल का अलग अलग हमने कैलकुलेशन कर ली। सबसे पहले हमने क्या करा है, जो 40,000 पर 5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं उनकी कैलकुलेशन कर ली, टोटल निकाल लिया, उसमें से जो फिक्स का पोर्शन था वो अलग कर लिया, वेरिएबल का अलग कर लिया। फिक्स वाला हमने सब में एक जैसा डाल दिया, क्योंकि फिक्स जो है फिक्स होता है, तीनों में एक जैसा आएगा। वेरिएबल वाला जो पोर्शन है वो अलग अलग हमने अलग अलग लेवल पर काउंट कर लिया, 60% पर कितना होगा, 90% पर वो कितना होगा, तो वो अलग अलग काउंट करके यहाँ पर उनके कॉलम में, रेस्पेक्टिव कॉलम में डाल दिया। सेम यही प्रोसीजर हमें तीनों एक्सपेंसेस के लिए रखना है, ऑफिस के लिए भी और सेविंग के लिए। अब इसके बाद अगला हेडिंग डालते हैं हम यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में फिक्स्ड और वेरिएबल, ऑफिस ओवरहेड में भी सेम यही कैलकुलेशन करनी है। ऑफिस ओवरहेड की वर्किंग देखिए, एट 80% लेवल, तो 40,000 यूनिट हमने बनाई है और ऑफिस ओवरहेड का जो एक्सपेंसिव है वो 3 रुपी पर यूनिट आ रहा है,
तो अगर हम टोटल देखें तो 120,000 आ रहे हैं, इसमें से फिक्स्ड हैं 60% और वेरिएबल हैं 40%, बचा हुआ वेरिएबल हो गया। नहीं, इसमें 60% तो आपको वेरिएबल दे रखा है, इसमें उल्टा दे रखा है, 60% तो वेरिएबल दे रखा है और 40% आपको जो है इसमें फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जो बचा हुआ है फिर वो दूसरा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो 60% इसमें वेरिएबल है, 40% इसमें फिक्स है। तो 120,000 का 40% अगर हम निकालते हैं तो 48,000 रुपीज आ जाता है। तो फिक्स तो 48,000 है, और इसी तरह से जब हम वेरिएबल निकालते हैं तो 120,000 का 60% यानी ये आ जाता है 72,000। तो अगर हम इनका टोटल करेंगे तो ये पूरा वही आ रहा है 120,000। तो इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल जो है 48,000 और 72,000 है। अब हमें ये वेरिएबल वाले जो है वो 60% और 90% पर भी कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि फिक्स तो एक जैसे हो जाएंगे। वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड एट 60% लेवल, तो 72,000 के जो एक्सपेंसेस आए हैं हमारे वो 80% कैपेसिटी पे आए हैं, तो 60% पर कितने होंगे, तो ये आ जाते हैं कैलकुलेशन करके 54,000। सेम इसी तरह से वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड एट 90% लेवल, अब 90% लेवल पे निकालने हैं, तो 72,000 है हमारे 80% कैपेसिटी पर, तो 90% पर कितने होंगे, तो 90% पे इनकी कैलकुलेशन आ रही है 81,000 रुपीस। तो सबसे पहले हम फिक्स लिखते हैं, वहां पर फिक्स तो 48,000 हो गए, तीनों में कॉमन रहेंगे क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा, और जो वेरिएबल हैं वो हमारे 80% कैपेसिटी पर तो थे 72,000, और 60% कैपेसिटी पर आए थे 54,000, और 90% कैपेसिटी पर आए थे 81,000 कैलकुलेशन करके। तो इस तरह से हमने ये एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख दिए। ऑफिस के बाद अब अगला एक्सपेंसेस हमारा है सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें भी फिक्स्ड और वेरिएबल का पोर्शन हमें निकालना है, तो इसके लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट 80% लेवल, ये इसमें कहा है 2 रुपीज पर यूनिट है। अगर हम 40,000 के हिसाब से कैलकुलेट करें 80% लेवल पर, तो ये टोटल बैठते हैं 80,000। इसमें कहा है कि इसमें 50% फिक्स्ड है, 60% वेरिएबल है, तो हाफ अप हो जाएगा इनका, 50% यानी 40,000 तो फिक्स्ड है और 40,000 ही वेरिएबल है, लेकिन ये 80% पर हुआ। अब हमें 60% लेवल पर और 90% लेवल पर वेरिएबल और निकालने हैं, तो 40,000 के एक्सपेंसेस होते हैं 80% लेवल पर, तो 60% पर कितने होंगे, ये कैलकुलेशन करके आ रहा है 30,000, और इसी तरह से एट 90% लेवल 40,000 के एक्सपेंसेस होते हैं 80% लेवल पर, तो 90% पर कितने होंगे, तो ये आ रहा है 45,000। तो 40,000 रुपये तो फिक्स हैं, वो तो फिक्स में लिख देंगे, जो कि तीनों के लिए एक जैसे हैं। 40,000 रुपये वेरिएबल जो 80% वाले थे वो लिख दिए हमने, और बाकी के दोनों के जो हमने कैलकुलेट करे थे वो लिख देंगे। तो इसका तो आ रहा है 60% वाले का 30,000, और 90% वाले का आ रहा है 45,000। अब इनका टोटल कर देंगे, टोटल करके आ रहा है 10,87,000। तो इसका आ रहा है 60% का, 14,00,000 आ रहा है 80% कैपेसिटी लेवल का,
15,56,500 आ रहा है 90% कैपेसिटी। तो इस तरह से इनकी ये टोटल कॉस्ट आई। अब हमें इनका प्रॉफिट और सेल ये कैलकुलेट करने हैं। तो प्रॉफिट और सेल जो है वो कैसे कैलकुलेट होंगे, देखिए सेल प्राइस इसमें गिवन है। तो सेल प्राइस आपको जो इसमें दे रखा है वो उन्होंने 45 रुपीज पर यूनिट जो है आपको बताया हुआ है। 45 रुपीज पर यूनिट जो है सेलिंग प्राइस होता है। तो 45 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है सेलिंग प्राइस निकालते हैं हम। लेवल का तो 30,000 यूनिट हमने बनाई है इसमें, और इसमें बनाई है 40,000, इसमें बनाई है 45,000। इनकी मल्टीप्लाई 45 रुपीज में करेंगे और सेल वाले कॉलम में लिख देंगे कितने की सेल होगी प्रोजेक्ट पे। तो मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है 13,50,000, ये इसकी सेल आ रही है 13,50,000। इसी तरह से 40,000 की आ रही है 18,18,000, और इसी तरह से नेक्स्ट वाले की आ रही है 20,25,000। हमने करा क्या है, केवल जो है मल्टीप्लाई करी है 45 रुपीज की जितनी यूनिट हमने बनाई है उनमें। अब इसके बाद इन सेल्स में से जो कॉस्ट ऊपर आई है ये घटा लेंगे और बीच में जो प्रॉफिट वाला कॉलम है इसमें लिख देंगे ये हमारे प्रॉफिट्स हैं। तो इसका प्रॉफिट आ रहा है पहले वाले 60% लेवल का 263,000। 80% लेवल पर आ रहा है 4,00,000। 18,00,000 में से 14,00,000 है 4,00,000। और इसी तरह से 90% कैपेसिटी लेवल पर आ रहा है 468,500। इस तरह से ये आंसर आ गए हैं, ये प्रॉफिट था। अलग अलग कैपेसिटी लेवल पर हमें पता चल गया कितना प्रॉफिट होगा। उसी हिसाब से मैनेजर्स डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से लेवल पर काम करना ज़्यादा सुटेबल है और कितना प्रॉफिट होगा। तो आज हमने ये क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। आप इसको रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।